नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। डब्ल्यूएफ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है और पहलवानों का ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप है। वहीं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ अब 2 FIR भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन पहलवानों का धरना अभी तक जारी है। और इसी बीच अब पूर्व रेसलर योगेश्वर दत्त ने भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहलवानों को यह कदम 3 महीने पहले उठाना चाहिए था। ये पूरा मामला क्या कुछ है और इसमें अब क्या कार्रवाई हो रही है, देखेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। आपके सामने है, दोनों सच है। दोनों में चेहरे एक हैं, पर सच बदल गया है। एक तरफ जहां तस्वीर में साक्षी मलिक दुल्हन के जोड़े में भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ नजर आ रही हैं, दिनेश फोगाट भी मुस्कुराते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ तस्वीरें खिंचवा रही है। ये देश के वो खिलाड़ी है जिन्होंने देश का मान विश्व पटल पर बढ़ाया, और दूसरी तरफ देश के यही खिलाड़ी आंख में आंसू लिए अपने मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने 1000 महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया है। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी पहलवानों के लिए लगातार बढ़ रहे समर्थन के बीच दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में शुक्रवार को 2 प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके बाद ब्रजभूषण ने एक वीडियो पोस्ट कर कविता के जरिए अपने मन का हाल बयां किया। एक कविता मुझे इस समय याद आ रही है, और कविता ये है, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। अब इंसाफ की मांग के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों को देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मिल रहा है, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग पेश कर दी गई है। अब जहां इस धरने को राजनीतिक समर्थन मिल रहा है, वहीं खुद बाकी खिलाड़ी इस धरना प्रदर्शन से किनारा करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए वो ना आगे आए हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं। हमारा एथलेटिक कमीशन है, वो लोग पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना? तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू अस दे हैव गॉन स्ट्रेट अवे टू स्ट्रीट, नो इट इज नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट्स। इस बीच दिग्गज खिलाड़ी पीटी उषा ने इस तरह सड़क पर धरना देने को गलत बताया है, जिस पर धरना दे रहे खिलाड़ियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो गई, वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है, और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं, और हम बैठते भी नहीं अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी, किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है, किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं।
और पीटी उषा जी का ऐसे बोलना जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही पीटी उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फोन भी पिक नहीं किया। खिलाड़ियों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए ब्रजभूषण सिंह ने भी कई गंभीर सवाल उठा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ कर दिया कि अपराधी बनकर पद से इस्तीफा बिल्कुल नहीं दूंगा। और कहा गया कि पिता भी बोलती है, शादी में भी बुलाती है, हंसती खिलखिलाते फोटो भी खिंचाती है और यौन शोषण का भी आरोप लगाती है। खुद को सही ठहराने के लिए भारत की गौरव, पीटी उषा, मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों को उनके जांच को मानने से इनकार करते हुए आरोप भी लगा देते हैं। बबीता ने खुद आज आगे बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं दी। कि आपके परिवार के लोग हैं, आपको क्यों पढ़ाए हम रिपोर्ट? तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया? तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई दुख नहीं बनता। जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पे पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पे पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, वो उस पे फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से जल्दी। यहाँ तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों को नार्को टेस्ट करने का चैलेंज भी दे दिया। पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है। और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। तो वहीं इस बीच एक थ्योरी ये भी निकल कर आई है कि सारी लड़ाई कुश्ती को एक राज्य, एक जात, एक परिवार की पपौती बनाने के लिए रखी गई है और ब्रजभूषण चरण सिंह इनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहे हैं। हालांकि नाबालिग खिलाड़ी से यौन शोषण को लेकर एफआईआर दर्ज करने को लेकर धरने पर बैठे खिलाड़ियों की एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पर इसके बाद खिलाड़ियों का आरोप है कि उन पर धरना खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो जो लोग गए हैं घर पे उनके पैसे लेके गए हैं, दबाव बनाने के लिए गए हैं, अगर जरूरत पड़ी, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम उनके नाम मीडिया के आगे भी लेंगे। बहरहाल खिलाड़ी जहां अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से हटाया जाए, उन्हें सजा मिले, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दंगल भी जारी है। अब इस अखाड़े से जीत का मेडल किसे मिलेगा, इसका इंतजार रहेगा। न्यूज डेस्क, आर्यन।